ये दोस्तों वो जगह है, वो झरना है जहाँ से महाराज जी पानी ले जाते हैं और इसी को पीते हैं महाराज जी। ऊपर से चू रहा है और जो कि यहाँ से इकट्ठा हो रहा है। देखिए, नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश चितकोट लाइव यूट्यूब चैनल से। जैसा कि दोस्तों नित दिन आपको नए नए साधु संतों के दर्शन करवाते हैं, उन तक सेवाएं पहुंचाते हैं, उनका सत्संग लाते हैं, दोस्तों इसी कड़ी में चित्रकूट के घनघोर जंगल में हूं और यहां पे एक महात्मा जी रहते हैं जो काफ़ी वर्षों से रह के यहां पे तपस्या कर रहे हैं। दोस्तों आज उन्हीं के पास चलेंगे, उन तक सेवाएँ पहुँचाएंगे, उनका दर्शन करेंगे, सत्संग लेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ, मैं आपको लेकर चलता हूँ, महाराज जी के दर्शन करवाता हूँ। और मेरे पीछे का आप दृश्य देख सकते हैं, ये देखिए कितना ऊँचा ऊँचा पहाड़ है और इसी पहाड़ की चोटी में महाराज जी रहते हैं। अब बगल में देख सकते हैं ये यहाँ पे विशाल पेड़ लगा हुआ है, बहुत बड़ा विशाल वृक्ष है, देख सकते हैं। अब पूरा इधर घनघोर जंगल है, पूरा जंगल ही जंगल है, देख सकते हैं पत्थर ही पत्थर है यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। अभी चलेंगे, रास्ता भी दिखाएंगे, महाराज जी के दर्शन भी करवाएंगे। तो आइए चलते हैं। ये दोस्तों देख सकते हैं महाराज जी कुटिया के ऊपर का दृश्य हम आपको दिखाते हैं। ये ऊपर का है और ये जो महाराज जी की छत है, ये पूरी छत बारिश में चूने लगती है। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम देवांगना घाटी में हैं और महाराज जी से हमारी भेंट हो गई। यहीं पे महाराज जी बैठे थे आश्रम पे ही। तो महाराज जी जय श्री राम की। यहाँ का परिचय, महाराज जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम लाल बिहारी है। अच्छा अच्छा, तो महाराज जी मतलब आप यहीं पे रह के मतलब भजन साधना करते हैं? हाँ, यहीं हमारी साधना हो रही है। तो यहाँ का परिचय हम बता दें पहले, देवांगन घाटी का जी। भूम राजधानी वृक्ष नगरी मनमानी मंदाग्नि पटरानी चित्रकूट सम्राट है। हाई कोर्ट पटक शिला जजी श्री जानकी कुंड वैसन कमी रस प्रमोद बन ठाठ है। लक्ष्मण पहाड़ी कोतवाली राम सैया शंकर कलेक्टर गंगराम घाट है। कोर्ट तीरथ डिप्टी देवांगन तहसीलदार बांदरों के फौज में यहाँ हनुमान जी लाठ है भगवान। ये यहाँ का परिचय है जी। हम लोग को जन्म भूम मान के चलो इसी वन में है, अब किसी गांव में नहीं है हमारा जन्म भूमि। महाराज जी कहते हैं ये देवांगना घाटी ये देवों की घाटी है, ये देवतों का आंगन है, ये देवतों का आंगन है। और महाराज जी हम सुने हैं कई साधु संत बताते हैं कि यहाँ देव कन्याएं भी आती हैं। हाँ, देव कन्याएं, ये देव कन्या के नाम से आश्रम जुड़ा हुआ है जी। ये जब भगवान श्री राम अयोध्या जी से पतंग उड़ाए थे जी, तो उस समय जो पतंग उड़ाए उन्होंने अपने भजन में लीन थे जी, देवकन्या ने। हाँ, तो सामने नज़र पड़ गई जब भजन करते थे कि अरे ये इतना सुंदर कैसे है। हाँ, ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ है। तो उन्होंने अपनी शक्ति से जी पतंग को झींक लिया है। जब पतंग को झींक लिया है तो उनको पतंग बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने कहा कि जब इतनी अच्छी पतंग है तो इसकी उड़ाने वाला अति सुंदर होगा। बिल्कुल। तो उन्होंने फिर पतंग को दिया नहीं, फिर वहाँ से भगवान जो है श्री राम ने कहा दास को, हनुमान जी को भेजा कि देखिए दास, हमारी पतंग को पता करिए कि कहाँ, हम तीन लोग के मालिक हैं, हमारी पतंग कैसे रुक गई, किसने रोक लिया जी। तो पवन का काम तुरंत ही आए और यहाँ देवांगन पे आए तो कहन की हे माँ, हमारी पतंग प्रभु की क्यों तुमने रोक लिया जी। कहन नहीं दास, ये पतंग जब इतनी सुंदर है तो इनकी उड़ाने वाला कितना सुंदर नहीं होगा जी। वो लोग जब हमें दर्शन देंगे, हमारे यहाँ आएंगे, तब उनको पतंग हम दे देंगे, तब यहाँ भगवान आए हैं। जो कविता बनाए हैं तो ये हमारी बनाई है जी, और ये पतंग वाली तो हमारी बनाई नहीं, जहाँ महापुरुषों बता रहे हैं वही हम भी बता रहे हैं। महाराज जी, क्या ये देवांगन में क्या देव कन्याएं अभी भी आती हैं? ये आती हैं भाई, कोई देखा तो नहीं जी, लेकिन हम शक्ति को देखा है। अच्छा, हमारे संत महात्मा आए थे तो उनकी चोरी हो गई जी, तो हम प्रण करके बैठे थे कि हम आज से तुमको मानेंगे नहीं, हमारा जब तक सामान आएगा नहीं। तो हम आसन लगा बैठ गए, भजन करने लगे। हमारे गुरुजी भी थे, हमको बहुत कहा कि बेटा परेशान न हो, नहीं ये सब गलत है, ले जाने दो सालों। हमने वहाँ अपना भजन किया, शाम के कोई अपना आया वहीं रख गया हमारा सामान। हाँ, जब सामान रख गया तो हमने देखा, हमारी लगन थी कि देखा तो हम सामान पड़ा रहा समाधि में,
जब सामान पड़ा रहा तो हमने फिर गुरुजी से कहा कि गुरुजी सामान आ गया। फिर देखा तो वहाँ मैं अकेले जा कर के 3-4 बजे के लगभग गया, मेरी लगन लगी थी उसी में। तो जब देखा तो सब सामग्री उसको देखा कि इतना सामान गया है, वो सारा सामान आ गया। यहाँ शक्ति मैंने इतना तक अजमाइश किया है। बताते हैं कि ये भी ऋषि आते हैं यहाँ, वो दर्श वो स्नान करते हैं। ऋषि मुनि आते हैं अभी? हम बताते हैं भाई, हम तो देखा। अच्छा, हम क्यों संतों को सही झूठा बोलना ही पाप है महाराज जी। न जाने किस भेष में आ जाते हैं। जी जी महाराज जी, कभी मतलब आपको ऐसा लगा कि मतलब कोई शक्ति है जो हमें खींच रही है, ऐसे कुछ नहीं? शक्ति तो ये है जी, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी बता रहे हैं तत्काल का। अब देखो, जब भंडारा कराए थे उस दिन हम क्या सोचा, नहीं प्रभु से कह देते कि थोड़ी ठहर जाओ तो ठहर हो जाए, लेकिन हम लोग क्यों पाप लें? इससे पाप होता है, हम लोगों को पाप होता है जी। जैसे पत्थर पड़ रहा है तो उसको बरका देने में अच्छी बात है जी। जब जंगल की ओर किया जाता है तो वो कितनी चराचर जीव को पाप होता है। इसलिए हम लोग ये भी नहीं करते हैं। हमारे पास कोई तंत्र मंत्र विद्या नहीं है जी। हमारी शक्ति की विद्या है, जो गुरु ने हमें को दिया है वही विद्या चलाते हैं। जैसे जड़ी बूटियां हैं यहाँ, अपने यहाँ बहुत कुछ जड़ी बूटियां हैं। अच्छा, इससे बहुत कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन किसी को विश्वास नहीं है। मतलब हम जड़ी बूटियां भी देते हैं? जी जी, अब तो नहीं देते हैं क्योंकि किसी को विश्वास नहीं है ना जी। नहीं, मेरा नाम काया पलटन है, मैं 6 ऋषियों का मेरे कोण हो गया था जी। जी, मैं एक काम का भी नहीं था। मतलब काम हम नहीं कर पाते? ना 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 जी। फिर मैंने नैनी अस्पताल गया, वहाँ हॉस्पिटल में 9 महीना गया जी। तो वहाँ सब कोई पंडित जी करते थे बढ़िया प्यार से। वहाँ एक लेडीज जो है, हमारा नंबर से काम होता था तो पर्चा गिरा दिया। फिर मैंने तो वहाँ पता किया कि किसके नाम से ये चल रही है हॉस्पिटल। तो वहाँ सब जो पंडित जी, चलो हम बता दें, एक मैडम साहब थी, वो 32 साल की थी जी। तो उसी के नाम से साइन का हॉस्पिटल है जी। हम गए कि हे देवी, हम लोग अपना समय बर्बाद करके आते हैं और वहाँ चित्रकूट से आते हैं, यहाँ क्या हरकत हो रही है? फिर उन्होंने उस बच्ची को बुलाया, इतना डांटा कि जिसके बाद सीमा नहीं। उन्होंने कहा, हट हरामजादी, कहीं शोर की बच्ची मेरा हॉस्पिटल खराब करने आई हो। फिर वहीं मैं कान पकड़ा, उठा बैठा, मैं कहूँ कोई हॉस्पिटल नहीं जाऊँगा, भगवान तुम्हारे लिए ये शरीर जो है अर्पण है। वहीं से हम दिवांगन गए, हमारी काया पलट हो गई। मतलब फिर आप दवा नहीं करवाए, वहाँ से चले आए, अब पूरा सही हो गया? सही हो गया। हमारे पूरे शरीर में गांठ थे जी, जी। पूरे शरीर तो में कुछ दवा तो लिए होंगे महाराज जी? नहीं, दवा फिर नहीं, इन्हीं की दवा है। अच्छा। यही जल की दवा है हमारे, मतलब यहाँ का जल पिए हैं? जल पिए हैं, स्नान किए हैं, यही इस्तेमाल होता था हमारा। मतलब यहाँ के जल में ही मतलब औषधियों का निचोड़ है, जहाँ से निकले थे गंगा जी। ये जो साधारण जल नहीं, वनस्पतियों का जल, इससे बहुत कुछ हो सकता है, इससे कैंसर, टीबी, लेकिन लाइन होना चाहिए नियमित रूप से। नहीं, नियमित रूप, इसी को पानी पियो, स्नान करो, यही का मतलब इस्तेमाल करो। हम दावा देते हैं इसका, मतलब जो परमानेंट रेगुलर मतलब पानी बैस, पीता बैस, है तो उसका सब कुछ सही, उसका काया पलट हो जाएगा। मैं सीधे बता रहा हूँ, लेकिन विश्वास होना चाहिए, तब विश्वास होना चाहिए। टाइम तक देख लो, हम भी हमारे बच्चे मतलब जो भी परेशान, हड्डी टूट जाए तो हम कोई किसी के नहीं, हमारा गुरु ऑटोमेटिक हमको बता रहा है कि ये जड़ी दो इसे, ठीक हो जाए जी, इससे हड्डी जुड़ जाएगी। हमारा पर्चे लो वहाँ हॉस्पिटल में, एक बच्चे का वो हाथ टूट गया, हम गए पट्टी, वो पट्टी बंधवा लाए, पट्टी खुलाने, वो कहे भाई मुँह पट्टी खुला जाओ बाबू, पट्टी मुँह खुला जाओ, मुँह ठीक है, सब हाथ वहाँ झटके लाग, मैं कहूँ आठ दिन बांधे। जब लिवा के गए
बोले कि महाराज जी तुम कोई दवा खिलाया? मैं कहूँ हाँ थोड़ी सी पत्ती खिला दिया हूँ। हले उससे काम हो गया, सही हो गया। मतलब बहुत से लोगों को औषधियाँ हैं नहीं, यहाँ कुछ खोजने वाला नहीं, करने वाला कोई नहीं, करने वाला कोई नहीं, यहाँ बहुत कुछ है, मरने जीने तक का जड़ी बूटी है। अब हम लोगों को क्या आजमाई से, हम खट्टा को मीठा कर सकते हैं। अच्छा, और मीठा का खट्टा कर सकते हैं। ले मतलब जो खट्टी चीज़ है उसे मीठा कर देंगे, जो मीठी चीज़ है उसको उसको खट्टी कर देंगे। ऐसी ऐसी जड़ियाँ हैं, जड़ियों का ही चमत्कार। जड़ियों का चमत्कार है। हमको बहुत से तांत्रिक लोग कहा, बंगाली आए कि महाराज हमसे विद्या ले लो। हम कहो हमको क्या करना है विद्या की जरूरत, हमें ढोंग थोड़ी करना है, हमारे यहाँ सब कुछ है, सब कुछ है, सारी जानकारी है, सारी जानकारी है। जैसे खून नहीं है तो हम जब दूध बना सकते हैं तो दूध से खून बनेगा, ये गारंटी है। जिसको दूध ना निकलत हो वो जड़ी दे देंगे तो दूध आ जाएगा उसको, उसी से कैंसर टीबी सब सब ठीक है। जब खून बनेगा तो क्यों नहीं ठीक होगा, बिल्कुल ठीक होगा भाई, यही पावजन है। खून मतलब जहाँ बनना बंद हो गया तो आदमी खत्म। अब भाई हम अपने से बता दिया नहीं, हमको अपने से बताना ना चाहिए जी। यहाँ के लोग बागों से पूछे जी जी कि क्या सत्य है क्या असत्य है, तब कहा गया कि गांव का जोगी बाहर का सिद्ध। सही, हम लोग निर्छल संत हुए हैं, हम ऐसे संत नहीं हुए कि हमको लाभ होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, लाभ की तरफ हम नहीं दौड़ रहे हैं। हे मालिक की कृपा है, हमको यहाँ ले आए, आ जाते हैं महाराज जी, मतलब आप कुटिया से जी जी कभी कभी यहाँ पे भी चक्कर लगा देते हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत खुश हुए ना हम आपको देख करके, बहुत खुश हुए। ये भी आपकी कुटी है, इसे फिर मंदिर वह बना दी 11 फुट ऊँच, और अगल बगल चारों तरफ यज्ञशाला बना दी, खूब आदमी, लेकिन दियार खा जाता। मतलब सरपत की कुटिया, मतलब जो दीमक होती है ज़्यादा खा डालती है। नहीं, वो नीचे से पक्का हो जाए हाँ। तो फिर दियार चढ़ेगी नहीं, मतलब तो नीचे फर्श पक्की हो जाए हाँ, और ऊपर हाँ, कुटिया कच्ची ही रहे तो बढ़िया रहेगा, तो बढ़िया रहता है। नीचे दीमक लग गई तो पूरा खराब हो गया, दीवार में परेशान हो गया, तो मैं इसलिए हिम्मत छोटी हो गई, क्योंकि अब शरीर भी साथ नहीं दे रही ना। सही भाई, 50 तक मानव को शक्ति कुछ रहती है। सही, और जब 50 से 60 हो गया, 60 से फिर 65 हो गया, 70 में पहुंचेगा, कहाँ शक्ति रह जाएगी, फिर भी धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। अब बताइए कि घास छीलते छीलते ये दशा है हमारी जी जी। देखो ये घास छीले का है, सफाई करने का है, मतलब जैसे कुटिया के आसपास सफाई उफाई किए होंगे तो पूरा छिल गया आपका। ओ, छिल गया, दोनों हाथ ऐसे थे, क्योंकि ये बाड़ी अमोल है। सही, बड़े भाग मानो स्तन पावा, बड़े भाग से ये मानो का जन्म मिला है,